रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सुर्खियों का हिस्सा बना। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान ब्रिक्स समिट में शामिल होने गए पीएम मोदी की बैठकों पर नजरें गड़ाए हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुस्लिम देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान और कजाकिस्तान शामिल है। हालांकि पीएम मोदी की यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियन से मुलाकात की चर्चा पाकिस्तान में खूब है। बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय तक कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देशों के सहारे भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत की मुस्लिम देशों में धमक बढ़ी है, जिससे पाकिस्तान के काले मंसूबों को झटका लगा है। भारत और यूएई के संबंध भी काफी मजबूत हुए हैं, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरान बेचैन हो उठते हैं। बता दें कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और ईरान के संबंधों में काफी खटास आई है। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी कई बार तनाव जैसे हालात पैदा हो गए थे। पाकिस्तान के मुकाबले भारत और ईरान के संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं, इस वजह से भी पाकिस्तान इस मुलाकात से चिढ़ा हुआ है। वहीं पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी अहम रहा है। दरअसल जब दुनिया के कई देश जंग की आग में झुलस रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी के इस दौरे से एक तरफ जहां भारत रूस के कूटनीतिक रिश्तों में और भी मजबूती आई, तो वहीं साल 2020 में गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद पहली बार द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान ही चीन को सख्त संदेश भी दे दिया है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीनी खतरे को देखते हुए काफी सावधान हो गया था। इसके बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा के लिहाज से अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता किया है। इस वजह से भी चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं। इसके साथ ही कई वजहें और भी हैं। बता दें कि चीन की सुस्त प्रति विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी भी इन वजहों में शामिल है। वहीं दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन का कई देशों से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही चीन को अमेरिका का डर भी सता रहा है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति ट्रंप के उस वादे से भी डरे हुए हैं, जिसमें उन्होंने चीनी सामानों पर 60% टैरिफ लगाने की बात कही है। वहीं जिनपिंग की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी चीनी युआन को डॉलर के मुकाबले दुनिया में वो स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, जिसकी महत्वाकांक्षा जिनपिंग ने पाल रखी थी। हालांकि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भी भारत उसके चालबाजियों से पूरी तरह सावधान है। ये जो मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, ये 5 साल के बाद हो रही है, तो इसका एक महत्व तो है। और जो दोनों लीडरों ने एक दूसरे के साथ जो बात की है वो कुछ मायने रखता है, कुछ उसका महत्व तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि शब्दों से भी ज्यादा जो जमीन पे कार्य होता है, जो जमीन पे एक्शंस होते हैं, ये जो जमीन पे एक्शंस होते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे जाते हुए हमको ये देखना है, हिंदुस्तान को देखना है, इंडिया को देखना है, भारत सरकार को देखना है कि चाइनीज क्या एक्शंस लेते हैं बॉर्डर के ऊपर और बाकी हमारे संबंधों के बीच के, और उसके बारे में क्या एक्शंस लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये बड़ा मायने रखता है। दोनों, भारत और चीन जो है, ये दोनों बड़े देश हैं, आबादी बहुत ज्यादा है और जो विकसितशील देश हैं, तो अगर शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों देश अपना प्रगति कर सकते हैं तो ये दुनिया भर के लिए अच्छा रहेगा
और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इसी पे टिप्पणी दे रहे थे कि अगर दोनों देशों के बीच में शांति रहे तो दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, दोनों देश मिलके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, डिसएंगेजमेंट का एक राजनीतिक स्तर के ऊपर एक फैसला लिया गया है, एक उसके बारे में समझौता हुआ है। अब उसके नट और बोल्ट जो है वो जमीन पर जो लोग हैं वो निकालेंगे, उनके बीच में मीटिंग्स होंगी दोनों सेना के लोगों के बीच में, और इस चीज को कैसे अमली जमा पहनाना है वो उसके अंदर निकाला जाएगा। दूसरी चीज ये समझने की है कि डिसएंगेजमेंट का के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता। जमीन के ऊपर बहुत चीजें हैं जो कि जो सेना के अधिकारी हैं वहां पर, जो सेना के अधिकारी उस हिस्से में जो हिस्सा लेंगे वो अपने तरीके से, ताकि अपने देश की जो एक सरहद जिसको हम मानकर चलते हैं उसके ऊपर कोई चीज ऐसी ना हो जो देश के लिए हित में ना हो, वो सब चीजें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है, आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस सकारात्मकता के साथ दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक सकारात्मक वातावरण बना है जिससे कि वो बातचीत कर सकें, अपनी बातें रख सकें। दोनों देशों के बीच में जो एक खटास है कैसे उसको दूर किया जा सके ताकि दोनों देश अच्छे तरीके से अपने अपनी प्रगति के ऊपर चल सके। 1959 में चाउन लाई ने एक छोटा सा नक्शा दिया था, इतना बड़ा, कि ये हमारा सरहद है। उसको इंटरप्रेट करने के अंदर बड़ा टाइम लगता है। 1962 में लड़ाई होगी, मतभेद जबकि टेबल के ऊपर दूर करने चाहिए थे वो युद्ध हुआ, और उसके अंदर हमने हमेशा यही कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया। और वो जो लाइन जो है, उसके बाद जब श्रीलंका के अंदर समझौता हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जमीन के ऊपर जहां पे दोनों सेनाएं थी वो मानी गई, कई जगह पर जहां पे सेना ही नहीं थी क्या परसेप्शन होना चाहिए वो माना गया, तो वो बहुत समय लगा है। तो ये सोचना कि जी कल कुछ हो जाएगा वो गलत होगा, टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा धैर्य की जरूरत है, समझौता हुआ है, आगे चीजें बढ़ेंगी, वो आगे किस तरीके से बढ़ती है, उसकी क्या स्पीड होती है वो आगे आने वाला समय बताए। बता दें कि इस बैठक के दौरान शी जिनपिंग की तरफ से भारत और चीन के आपसी सहयोग और महत्व पर भी जोर दिया गया है।